श्रम साधना श्री कृष्णदास जाधव लिखित एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में श्री कृष्णदास जाधव जी ने श्रम के दो प्रकार बताए। उसमें पहला प्रकार है शारीरिक श्रम, दूसरा प्रकार है बौद्धिक श्रम। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों में ज्यादातर अनपढ़, अशिक्षित, कम पढ़े लिखे लोग आते हैं जिन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिनका आमदनी कम होती है और समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, उनका जीवन कष्टमय जीवन होता है। दूसरे वर्ग में जो लोग आते हैं वो बौद्धिक श्रम करने वाले लोग, उसमें बौद्धिक काम करना पड़ता है, उनकी आमदनी अच्छी होती है। इस वर्ग में डॉक्टर, कलेक्टर, टीचर, न्यायाधीश, इस प्रकार के लोग आते हैं, उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, उनका जीवन आरामदेह जीवन होता है। ऐसा होने के बावजूद भी बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शारीरिक श्रम करने वाले लोगों पर यानी कि मजदूरों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मजदूरों पर निर्भर होने के बावजूद उनका जीवन अच्छा होता है मजदूरों के मजदूर की तुलना में। उसी प्रकार समाज में जो उद्योगपति व्यापारी है, जो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों से कम कीमत पर वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बाजार में बेचते हैं, इस कारण समाज में विषमता निर्माण हो रही है, आर्थिक विषमता। और इसी उसी वजह से समाज में जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग हैं वो अमीर हो जाते हैं। इसका श्री कृष्ण जाधव जी ने अपने पाठ और यानी कि अपने वैचारिक निबंध श्रम साधना में इस बारे में जानकारी दी है और इसका जिक्र किया है। धन्यवाद।